लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर कोर्ट में हुए पेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस सांसद शशि थरूर मानहानि मामले में गुरुवार को अदालत में पेश हुए। उनके खिलाफ भाजपा नेता राजीव बब्बर ने पीएम मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बयान पर मानहानि की शिकायत की थी। राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल के समक्ष गुरुवार को शशि थरूर का बयान दर्ज नहीं हो सका। अदालत ने थरूर को बयान दर्ज करने के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की है। भाजपा नेता बब्बर ने शिकायत दायर कर आरोप लगाया था कि थरूर ने अक्टूबर 2018 में बंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में एक लेख का हवाला देते हुए बयान दिया था कि पीएम मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह है, उन्हें वहां से किसी भी तरह हटाया नहीं जा सकता। उस सूत्र ने अपनी कुंठा जाहिर करते हुए मोदी की तुलना बिच्छू से की थी। भाजपा नेता ने अपने शिकायत में कहा था कि थरूर ने इस लेख के आधार पर विवादित बयान दिया था। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।